इसका ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि जैसे कि फर्स्ट ओनर से कहीं बिकी फिर सेकंड ओनर हुई, ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट ओनर ने सेकंड ओनर को बेची, सेकंड ओनर से हमारे पास आई है। ओ मैन सीरियसली ऑसम भाई साहब, देखो छपरी, ये होते हैं छपरी, द बिगेस्ट छपरी इन दिस वर्ल्ड भाई। ये 2019 मॉडल वर्सेस 1000 है, 2019 मैन्युफैक्चर्ड है, 19 रजिस्टर्ड है, दिल्ली रजिस्टर्ड है। तुम देख सकते हो लुक कितनी अग्रेसिव है इस बाइक की, और भाई ये चलती है ना तो अटेंशन ग्राब जरूर करेगी रोड पे। देखो करेगी भाई, ये गिवी बॉक्स टाइप्स होते हैं, ठीक है, जो पीछे टूरर बॉक्स कहते हैं, ठीक है। एग्जॉस्ट लगा हुआ था स्कॉर्पियन का, ओरिजिनल कावासाकी की, तेरा फॉग लैंप्स लगे हुए हैं। ऑलराइट गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आदिया जी और आप देख रहे हैं देसी बॉय के व्लॉग्स। आज का वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए कावासाकी वर्सेस 1000। तो इस बाइक की डिटेल मैं बता देता हूँ, सबसे पहले आप लोग जाके देखो इसके बीरो। एंड लाउड बहुत ज़्यादा है भाई, एंड पिकअप देख लो इसका तो वो भी बहुत अमेजिंग है। तो भाई 1000 cc फोर सिलेंडर इंजन, सेकेंड ऑनर, और बाइक बिल्कुल मेंटेन्ड, फुल सर्विस रिकॉर्ड विद कावासाकी। एंड इस बाइक की भाई लुक ही अलग है, लोग खुद ही पलट के देखते हैं। पावर इसका मोड जो है वो फुल पे है, आप देख सकते हो, यहाँ से आप अपने पावर सेलेक्ट कर सकते हो। इस बाइक में बहुत सारी चीज़ें हैं, वाओ यार वाओ। और यार देखो, यही चीज़ बेसिकली एग्जैक्टली आप चाह रहे थे कि इस बाइक के ऊपर व्लॉग बनाऊं। भाई ये जो भी बाइक लेगा ना भाई, वो खुश रहने वाला भाई, मतलब मज़ेदार हमारे सामने है भाई। देखो मतलब भगाऊँ ना उतनी कम है, लेकिन हम भगाएंगे नहीं। पोलो चीटी, भाई बहुत वाइड है भाई। OMG backfires, सुपर भाई, मतलब मज़ा आ जाए यार सीरियसली। ये बाइक की ना बात ही अलग है गाइस। डिलीवरी ऑप्शन इज अवेलेबल ऑल इन इंडिया गाइस, मतलब आपको कहीं पर भी डिलीवरी चाहिए आपको मिलेगी क्रूज़र प्लानेट पे। जब भी आपका मन करे एक बारी कॉल करो, इस बाइक को आप अपना बना सकते हो काफ़ी अच्छी कीमत पे। देखो सबसे बड़ी बात इस बाइक के बारे में आपको बता देता हूँ, ये बाइक चली हुई है सिर्फ 9750 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली, सेकेंड ऑनर है, और भाई 2019 रजिस्टर्ड, 2019 मैन्युफैक्चर, मतलब कावासाकी से आप इसका पूरा रिकॉर्ड ले सकते हो। बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कमी नहीं है। तो इसकी ज़्यादा डिटेल के बारे में मैं लेके चलता हूँ आपको सागर भाई के पास, और आपको पूरी डिटेल देता हूँ गाइस। Man,
मैन सीरियसली ऑसम भाई साहब गजब, मतलब मजा ही आ गया यार सीरियसली इस बाइक को चलाने के बाद। भाई मैं सोच रहा हूँ इसको ले लूँ यार। देसी भाई आतंक बाइक है, पावर उस लेवल की है ना भाई, मतलब जो तुम्हें चाहिए एग्जैक्टली। और जो अटेंशन ग्रैब करती है ना भाई रोड पे, ये मतलब अलग ही है। थैंक यू सो मच गाइस, प्रीवियस वीडियो को आप लोग इतना प्यार दे रहे हो एंड यार मज़ा आता है जब आप लोगों के साथ ऐसे आप लोग कमेंट करते हो, बताते हो कि भाई ये वाली वीडियो चाहिए, ये वाली वीडियो चाहिए, और आपको दे रहा हूँ मैं वो वीडियो जो एग्जैक्टली आपको चाहिए। इससे ज़्यादा और आपको क्या चाहिए दोस्त। तो क्रूज़र प्लैनेट चलते हैं, सागर भाई से बात करते हैं एग्जैक्टली ये बाइक हमें कितने की मिल जाएगी। और भाई बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल मस्त मक्खन बाइक है, मैं सच बता रहा हूँ भाई। मतलब अगर रोड हो ना तो भाई इसको भगाने का मज़ा है असली, बट लेकिन हम भगाएंगे नहीं यार, क्योंकि देखो चीज़ आपको लेनी है आगे और हमें तो बस आपको प्रोवाइड करनी है इन्फॉर्मेशन कि भाई ये चीज़ है आपके पास, ये मिल सकती है। और देखो यार हल्का सा छोड़ते बस गोली, बस बोल रही मुझे दौड़ाओ भाई। एंड गाइस जिसने भी मुझे फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे जाके फटाफट फॉलो कर लो, क्योंकि अपकमिंग वीडियोस का मैं वहीं पर अपडेट देता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो किस पर आने वाली है। और आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो, मैसेज करके भी बता सकते हो एग्जैक्टली आपको किस पे वीडियो चाहिए। देखो छपरी, ये होते हैं छपरी, द बिगेस्ट छपरी इन दिस वर्ल्ड, मतलब क्या ही बोलूँ ऐसे लोगों को। ये मर जाएंगे इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपने घर वालों की कभी नहीं सोचेंगे। आप देख सकते हो अभी भी किस तरीके से चल रहा है बंदा, सुपर बाइक को देखने के बाद ऐसे ही करते हैं लोग। बट ठीक है यार अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग इनकी तरह नहीं चल सकते, बट बहुत गलत चल रहा था भाई, बहुत गलत। फाइनली आप लोगों के सामने भाई आज बाइक आ गई और सागर भाई भी आ गए हैं। तो भाई सागर भाई प्लीज इस बाइक की थोड़ी सी डिटेल हमारी ऑडियंस को दी जाए कि एग्जैक्टली ये बाइक है क्या, थोड़ा सा पीछे से दिखाओ भाई बाइक की लुक क्या है, ये किस चीज़ के लिए यूज होने वाली है आगे अगर इस बाइक को कोई लेता है। भाई ये 2019 मॉडल वर्सेस 1000 है, 2019 मैन्युफैक्चर्ड है, 19 रजिस्टर्ड है, दिल्ली रजिस्टर्ड है, सेकंड ओनर है, ठीक है, डन अबाउट 10,000 किलोमीटर्स, ठीक है। बाइक में काफ़ी सारे लोडिंग्स भी हैं, जैसे कि देख सकता है ये गिवी बॉक्स टाइप्स होते हैं, ठीक है, जो पीछे टूरर बॉक्स कहते हैं, ठीक है। एग्जॉस्ट लगा हुआ था स्कॉर्पियन का, ओरिजिनल कावासाकी की, तेरा फॉग लैम्प्स लगे हुए हैं, क्रैश गार्ड लगा हुआ है, मैंने जितना मैक्सिमम सामान होता है वो लगा हुआ है। और भैया मतलब बाइक बिल्कुल कंफर्टेबल है लॉन्ग रूट्स के, भाई हाई टूरर ना यार, हाई ना ADV दिस इज कॉल्ड ना, मतलब तुम देख सकते हो लुक कितनी अग्रेसिव है इस बाइक की। और भाई ये चलती है ना तो अटेंशन ग्रैब जरूर करेगी रोड पे, देखो करेगी भाई। सो सागर भाई इसका प्राइस क्या होने वाला है, अगर हम बात करें इसके प्राइस की तो क्या प्राइस आप देना चाहते हो, कोई लेना चाहे भाई? इसकी आस्किंग 10,250 के आसपास है, ठीक है, पर डेफिनेटली नेगोशिएबल प्राइस है। तो भाई ऑन टेबल आप सागर भाई से आके इसकी डील क्रैक कर सकते हो और इस बाइक के पूरे मजे उड़ा सकते हो। गाइस मैंने पूरी वीडियो में आपको क्लियरली चला के दिखाया है इस बाइक को, बहुत क्लीन बाइक है। और भैया सर्विस वर्विस का क्या रहता है? यह सर्विस सारी कावासाकी से ही हुई है, ठीक है, तो आप कावासाकी में चेक करा सकते हो लेने से पहले। रिकॉर्ड भाई पूरा कावासाकी, पूरा रिकॉर्ड अवेलेबल है, किसी को कोई डाउट हो इस बाइक से रिलेटेड कावासाकी जाओ, बाइक लेके जाओ, चेक कराओ, या फिर जो भी डिटेल चाहिए वो सारी अवेलेबल मिलेगी कावासाकी। और इसका ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि जैसे कि फर्स्ट ओनर से कहीं बिकी, फिर कहीं बिकी, फिर सेकंड ओनर हुई, ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट ओनर ने सेकंड ओनर को भेजी, सेकंड ओनर से हमारे पास आई है। क्या बात है, मतलब पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है इसका, हाँ ट्रैक रिकॉर्ड है, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी और पूरी बाइक लोडेड है गाइस। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, अपना प्यार बनाए रखना। थैंक यू सो मच गाइस, प्रीवियस वीडियो को आप लोग इतना प्यार दे रहे हो। क्रूज़र प्लैनेट के नए शोरूम पे जल्दी विजिट करो, क्योंकि शोरूम बहुत बड़ा हो चुका है भाई, जल्दी आओ। Up above the clouds, so high I can't see the ground.